लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या काळात खासदार सदाशिव लोखंडे यांनी निवंडे कालव्याबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी अकोले तालुक्यातील निळवंडेचे कालवे हे बंदिस्त नसून ते पारंपरिक पद्धतीने जमिनीवरूनच होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या ठिकाणी जमीन संपादन झालेले आहे, त्यामुळे कालवे भूमिगत करण्याचा प्रश्नच येत नसल्याचेही गडकरी यांनी स्पष्ट केले आहे. निळवंडे धरणाला सुरू होऊन 47 वर्षे झाले आहेत. प्रकल्पाची मूळ किंमत ही फक्त 7.5 कोटी होती, त्यावरून ती आता 2232 कोटी झाली आहे. तरी लाभक्षेत्राला पाणी नाही. कालवे पारंपरिक की भूमिगत याबाबत अकोले तालुक्यात संभ्रम निर्माण केला जात आहे. साईबाबा शताब्दी वर्षात दुष्काळी भागाला पाणी मिळणार का, तसेच निळवंडे लाभक्षेत्राला अच्छेदी नेणार का असा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना गडकरी यांनी सांगितले की महाराष्ट्र शासनाने जमीन संपादित केलेली आहे. कालव्याच्या जागेचे उतारे हे शासनाचे नावे आहेत, त्यामुळे कालवे पाईपलाईनने करण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नसल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. जिथे भूसंपादन झाले आहे तिथे तात्काळ कामे सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जर साईबाबांच्या भूमीत पाणी गेले तर मलाही आशीर्वाद मिळतील, असे गडकरी यांनी सांगितले. बळीराजा कृषी संविधान योजनेअंतर्गत ऊर्ध्व प्रवारा 2 निळवंडे प्रकल्पाचा समावेश करण्यात आला आहे, मात्र केंद्रीय जल आयोगाची मान्यता नुकतीच मिळाली आहे, त्यामुळे राज्य सरकारचे वित्तीय गुंतवणूक प्रमाणपत्र मिळण्यास उशीर झाला असल्याचे गडकरी यांनी स्पष्ट केले. राज्याचे पत्र मिळताच निळवंडेचा तात्काळ विशेष प्रकल्पात समावेश करून प्रकल्प पूर्ण केला जाणार असल्याचे गडकरी यांनी लोकसभेत सांगितले. योजनेमध्ये पहिला उसको तुरंत मंजुरी करणे के लिए कोशिश करेंगे क्या, ये पहिला प्रश्न आहे. मॅडम, महाराष्ट्र सरकारने 108 प्रकल्प भेजे थे, इसमें ये प्रवरा निळवंडे प्रकल्प था और इसका टेक्नो इकोनॉमिकल एडवाइजरी कमेटी में अप्रूवल नहीं मिला था. तो 108 में से 91 प्रोजेक्ट ही कैबिनेट के पास गया और मंजूरी मिली. ये कह रहे ये बात सही है, यहाँ भी प्रश्न है, समस्या है, पर मुख्यमंत्री जी ने भी पत्र लिखकर मुझे कहा है, पर ये मेरे हाथ में नहीं है. मैं इन प्रोजेक्ट को लेकर फिर से एक बार कैबिनेट में जाकर उसकी स्वीकृति लेने के लिए आपके आग्रह पर जरूर प्रयास करूंगा, ताकि इसको वहां से मंजूरी मिलेगी तो ये काम हो पाएगा. दूसरी बात जो है, ये इसके जो कैनाल बनाना है इसमें इनके जिले में बहुत झगड़े हैं. एक पार्टी कहती है कि अंडरग्राउंड पाइपलाइन डालो, एक बोलती कैनाल बनाओ. इनका कहना सही है. अभी कल मुझे वो भी मिले थे एनसीपी के नेता और उन्होंने भी मुझे कहा कि ये पाइपलाइन डालो. फिर कांग्रेस के नेता बोलते हैं कि कैनाल बनाओ और ये शिवसेना के ये कहते हैं उसको लगाओ. तो मैं अब इस पर एक ही निर्णय मैंने किया है, महाराष्ट्र सरकार को अधिकार दिए हैं, लैंड एक्विजिशन हुई है, महाराष्ट्र सरकार चाहे तो लैंड एक्विजिशन करके कैनाल बनाकर करे या पाइप डाले, जो करे वो महाराष्ट्र सरकार करे, उनको इसके बारे में तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश देने का मैं करूंगा, निर्णय वो करे. अध्यक्ष महोदय, मेरा जो सवाल है, कोई 1 से 28 किलोमीटर भू संपादन किया, गवर्नमेंट का नाम भी उसके ऊपर लगा गया, तो कैनल होने से जो लोग 182 गांव 45 साल हो गया लोग राह देखते पानी का, और गडकरी साहब आने से लोगों को आशा पल्लवित होगी, हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे. अभी अच्छे दिन, अभी हमारे क्षेत्र में अच्छे दिन आने के लिए पंतप्रधान जी के ये प्रजात करके वो तुरंत पानी शताब्दी बाबा का शताब्दी वर्ष है उसके लिए खास प्रकल्प मंजूर करके 1-1.5 साल में किसानों को पानी आने के लिए प्रयत्न करेंगे क्या. ये मेरे क्षेत्र में बाबा का शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष में खास बात करके कैनल के द्वारा लोगों को पानी मिलाने के लिए मंत्री महोदय प्रयत्न करेंगे क्या. ये प्रश्न के प्रति भी बहुत सिंसियर है, वहाँ पीड़ित हो गए तो उठ के मां चले ये प्रश्न पूछने के लिए. ठीक है, मैं सम्माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस क्षेत्र के उनका सम्मान करता हूँ. ये बात सही है कि लैंड एक्विजिशन हुआ है, सरकार के नाम पर जमीन लगी है, कैनाल बन सकता है, अब पाइपलाइन डालने की आवश्यकता नहीं है. पर मैं आज वो उन्हें बाबा का आशीर्वाद की बात की तो मुझे भी आशीर्वाद मिलेगा. तो मैं आज निर्णय जाहिर करता हूँ कि जो जगह एक्वायर किए वहाँ तुरंत कैनल का काम शुरू करके इनकी मांग को पूरी किया जाए और इनको पानी पिलाया जाए. या प्रश्नाबाबत खासदार सदाशिव लोखंडे यांची तळमळ जास्त आहे, त्यामुळे त्यांचे समाधान झाले पाहिजे असे लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी लोकसभेत गडकरी यांच्या निदर्शनास आणून दिले. गडकरी यांनीही हे मान्य करत खासदार लोखंडे यांच्या प्रश्नावर सविस्तर उत्तर दिले. माय न्यूज ब्युरो, शिर्डी.